दोस्तों पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यासों को करने से हमारी लोअर जिन्हें लोअर बैक पेन की समस्या होती है वह दूर होती है और इन अभ्यासों को वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो स्नायु तंत्र की गड़बड़ी और टूटी हुई हड्डियों से पीड़ित है। दोस्तों पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं, अपनी एड़ियों को ऐसे ही अपने हिप के समीप ऐसे लाना है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे राइट साइड लेफ्ट साइड अपने पैर को ऐसे बेंड करना है, अपोजिट साइड आपने देखना है। आपका घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, टखने के ऊपर टखना होना चाहिए और विपरीत दिशा में देखिए। यह एक स्पाइनल ट्विस्टेड पोज है, इसे करने से कमर दर्द पीठ दर्द की समस्या दूर होती है। जो लोग स्लिप डिस्क साइटिका जैसे रोगों से ग्रसित हैं उनके लिए यह मरकट आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। फिर इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने पैरों को ऐसे राइट साइड ऐसे जमीन, अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श करना है और विपरीत दिशा में ऐसे देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपके दोनों कंधे जमीन को स्पर्श करें, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना रखें। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे आप लेफ्ट और राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए आपने अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ना है और विपरीत दिशा में देखना है। इस स्थिति में आपके दोनों कंधे जमीन को स्पर्श करें। फिर एक्सहेल करते हुए सेंटर में आते हैं। इनहेल करते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे, अपने घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए और विपरीत दिशा में देखिए। दोस्तों इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे करने से हमारे शरीर से आलस्य दूर होता है और हमारे शरीर में चुस्ती स्फूर्ति बनी रहती है। फिर इन्हें एक्सहेल करते हुए सेंटर में आते हैं। ऐसे ही से आप दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों अब हम करेंगे मरकट आसन सेकंड का अभ्यास करेंगे। राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाना है, ऐसे ऊपर को सीधे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं और अपने लेफ्ट हथेली को ऐसे, लेफ्ट हथेली को ऐसे छुइए। अपने लेफ्ट हथेली से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लीजिए। इसे करने से स्लिप डिस्क साइटिका जैसी समस्या दूर होती है। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है और हमारे शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने के लिए यह मरकटासन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं और अपने पैर को ऐसे अपने राइट हथेली के पास लाइए। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और विपरीत दिशा में आपने देखना है। कुछ देर होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे वहां छोड़ते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे आप दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त मशेंद्र आसन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही सीधे लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट नीज के ऊपर से ऐसे रख लेना है और अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने
राइट पैर के घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और दूसरा पैर इस स्थिति में बिल्कुल सीधा रहे और अपोजिट साइड आपने देखना है। इस स्थिति में आपके दोनों कंधे, दोनों हाथ जमीन को स्पर्श करें। 5 से 10 ब्रीद ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों यह अभ्यास हमारे स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। जैसे ही इस अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट नीज के ऊपर से ऐसे रख लेना है और अपने पैर को ऐसे शरीर को ऐसे राइट साइड मोड़ना है। अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइए और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 5 से 10 ब्रीद ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से कमर दर्द, पीठ दर्द जैसी समस्या दूर होती है और यह पेट की गैस को दूर करने के साथ साथ कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर धीरे धीरे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इसे लेफ्ट राइट साइड से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट करते हैं और अपोजिट साइड देखना है। स्लिप डिस्क साइटिका के रोगियों के लिए बहुत ही सहज और सरल अभ्यास है। दोस्तों इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने से हमारे शरीर से आलस्य दूर होता है और शरीर में चुस्ती स्फूर्ति बनी रहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। इसे विंड रिलीज पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपनी एड़ी को ऐसे अपने हिप बोन के ऐसे समीप लाना है। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छोटी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आपके दोनों पंजे ऐसे आगे को तने हुए हों। 5 से 10 ब्रीद ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों अगर आपके कमर में दर्द हो तो आप ऐसे अपने सिर को ऐसे ऊपर ना उठाएं। आप इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। इस अभ्यास को करने से हमारे पेट के समस्त विकार दूर होते हैं। जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इस पवन मुक्तासन को आप हिलना और लुढ़कना से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने ऐसे और ऐसे इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे बैठने की कोशिश कीजिए, फिर पीछे लेट जाना है। हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और फैट को दूर करने के लिए यह हिलना, डुलना और लुढ़कना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यासों में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 5 से 10 ब्रीद ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों पीठ के बल किए जाने वाले इन अभ्यासों को करने से हमारी ऑलराउंड फिटनेस होती है और हमारा शरीर सुदृढ़ और शक्तिशाली बनता है। इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर फ्रेश होकर अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और यह अभ्यास
इन अभ्यासों को करने से हमारी ऑलराउंड फिटनेस होती है। दोस्तों, इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं।